हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी, वेलकमिंग यू ऑल इन इमोशंस अकेडमी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, रिवीजन से शुरू करते हैं, तो फटाफट से देखते हैं हमने क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने शुरुआत करी थी हमारे वर्ब के टॉपिक से। वर्ब के टॉपिक में हमने डेफिनेशन, प्लेस, आइडेंटिफिकेशन और टाइप्स के बारे में डिस्कस शुरू किया था। अब यहाँ पे तीन चीज़ों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, चौथी चीज़ टाइप्स, उसको हम इन डिटेल पढ़ रहे थे। उसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, उसको हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। मैंने आपको डेफिनेशन अलॉन्ग विद वेरियस एग्जाम्पल आपको समझाया कि आपके जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब का डिस्कशन भी किया, होमोफोन्स का डिस्कशन भी किया, और इसके बाद में जो हमारा लास्ट एंड टॉपिक था वो था बी फॉर्म एंड हैव फॉर्म। मैंने आपको बताया कि कैसे बी फॉर्म और हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह आपके किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकती हैं। कैसे पहचानेंगे, मैंने वो भी बताया कि पहले ये देखना कि सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट एक वर्ब है कि नहीं। वर्ब के बाद में जो कुछ बचा है वो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर एक ही जैसे हैज हैव है, वही एक सेंटेंस में यूज हुआ, इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो हैज हैव क्या है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ना होके मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है सेंटेंस की, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो केवल टेंस की पहचान बताती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस बताती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। तो बच्चों, आज अपनी क्लास में हम वर्ब के जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो बच्चों, एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। ये हमारा सेकेंड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैंने बताया आपको कि हर किसी न किसी बेसिस के ऊपर हमने वर्ब को अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो फर्स्ट हमारा टाइप था वो क्या था कि भाई वर्ब की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है वो किस तरह बनती है, उस बेसिस पे दो टाइप्स थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कितनी तरीके से यूज आ सकती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, या फिर आपकी वर्ब नाउन के रूप में भी यूज आ सकती है। इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया वर्ब को टू टाइप्स में, दैट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक बार मेरे साथ एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। हम वर्ब को क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब। अब इसको क्लासिफाई करते हैं हम फाइनाइट वर्ब को भी आगे दो पार्ट में। वो आपका क्या है, वो आपके दो पार्ट हैं आपके मेन वर्ब, और आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब आगे जाके हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। जो कि आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब का आपके मॉडल, और आपके क्या हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके बाद जाके ये जो आपका मेन वर्ब है इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपका जो इसका टाइप है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को भी हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो बच्चों, इसके भी हम थ्री टाइप्स पढ़ते हैं, वो क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं जिरंड का कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे देखते हैं पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये पूरा क्लासिफिकेशन है आपके वर्ब का
किस बेसिस पे, किस सेंटेंस में जो आपकी वर्ब है वो किस फॉर्म में यूज हो रही है, वो हेल्पिंग वर्ब बन रहा है या फिर वो आपका मेन वर्ब बन रहा है या फिर वो आपका नाउन बन रहा है, ठीक है, इस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। अच्छा यहाँ पे एक और लिख लीजिए, या फिर वो एडजेक्टिव बन रहा है। इस सब बेसिस पे हमने इस अपनी वर्ब को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, जो कि है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया टू पार्ट्स में, मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी फर्दर मैंने क्लासिफाई किया मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब में, और इसी तरह मेन वर्ब को भी फर्दर क्लासिफाई किया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो मैंने आगे इसको फर्दर डिवाइड किया है, उसका बेसिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, कि किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, किसके बाद नहीं आता। इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, बट बहुत ही जैसे बोलते सुपरफिशियली बस टच किया था। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, आपकी मॉडल और आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि बी फॉर्म और हैव फॉर्म को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता ही होगा। नॉन फाइनाइट में जैसे कि मैंने बताया कि नाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी आपके क्या यूज़ होते हैं, वर्ब यूज़ होती हैं। तो हम देखेंगे जिरंड को, इन्फिनेटिव को और पार्टिसिपल फॉर्म को, इसमें कौन नाउन की तरह यूज़ होता है और कौन एडजेक्टिव की तरह। तो सबसे पहले आप ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो अब बात कर रहे हैं हम वर्ब के सेकंड क्लासिफिकेशन की, जो कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बेसिस पे है। अब कैसे इसको क्लासिफाई किया है, इसका बेस क्या है, तो देख लीजिएगा कि जो वर्ब है वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बन रही है कि मेन वर्ब बन रही है, कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। आपको मैंने बताया है, थोड़ा सा एक आपको हिंट दिया है कि जो वर्ब है वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती हैं। अब ये सेंटेंस में किस फॉर्म में यूज़ हो रही है, इस बेसिस पे हमने इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अगर फाइनाइट की बात करी जाए तो फाइनाइट में भी आपके क्या हैं, दो क्लासिफिकेशन हैं, या तो मेन वर्ब के रूप में या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। अब मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रही है कि नहीं ले रही, उस बेसिस पे इसके फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बारे में थोड़ा सा हिंट मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में दिया था कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। फिर बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है, टेंस की पहचान बताती हैं। कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आपके पास हैं, आपके पास है मॉडल। मॉडल जैसे कि आपका हो गया शैल, शुड, कैन, माइट, यूज़ टू हो गया, नीड टू हो गया, ऑट टू हो गया, डेयर टू हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, मॉडल होते हैं। उसके बाद में हमने देखा बी की फॉर्म। बी की फॉर्म तो आप पढ़ ही चुके हों, किस लिए ऑक्सिलरी वर्ब बनती हैं, इज़, एम, आर और वॉज, वर। उसके बाद में हैव की फॉर्म, तो हैव की फॉर्म किस तरह हेल्पिंग वर्ब की तरह बनती है, कौन कौन सी फॉर्म है, हैज़ है, हैव है, हैड है। और उसके बाद में जो आपका डू की फॉर्म है, जैसे कि आपको पता है डू, डज और डिड, ये भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह है, बिहेव करती हैं। उसके बाद में बात करते हैं नॉन फाइनाइट की, तो जो ये पोर्शन बचा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पोर्शन तो फाइनाइट में कंप्लीट हो गया, अब पोर्शन बचा है नाउन और एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव की फॉर्म में हम यहाँ पे जब वर्ब को यूज़ करते हैं तो उसके किसने क्लासिफिकेशन है कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब जिरंड हो सकता है। जिरंड मतलब वर्ब आईएनजी, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी, लेकिन अभी बस क्लासिफिकेशन आपको समझा रही हूँ। जिरंड मतलब आपका वर्ब आईएनजी, और यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू आपका क्या है, जो प्रीपोजिशन में हम टू पढ़ते हैं ना, ये वो वाला है, लेकिन इसको इन्फिनेटिव वाला टू कहते हैं। उसके बाद में बात आती है पार्टिसिपल की, मतलब वर्ब आईएनजी फॉर्म ये भी है। अब जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जिरंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दोनों का सेम है, ये भी वर्ब आईएनजी और पार्टिसिपल भी आपका क्या है, वर्ब आईएनजी है। जब हम डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जब ये जिरंड, जब वर्ब आईएनजी जिरंड के रूप में यूज़ होता है तब ये क्या है, नाउन है, और जब आपका पार्टिसिपल के रूप में यूज़ होता है तब ये वर्ब आईएनजी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच बदला, पूरी कहानी ही बदल जाएगी, तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखिएगा। अब इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब वन बाय वन हम हमारे जो कितने क्लासिफिकेशन किए हैं उसको पढ़ते हैं। तो फाइनाइट वर्ब से शुरू करते हैं। फाइनाइट वर्ब में मैं उठा रही हूँ आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं और कैसे आपकी एरर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया किसका, वर्ब का, फाइनाइट में और नॉन फाइनाइट में। फाइनाइट का जो फर्दर है वो आपका क्या है, फाइनाइट को फर्दर इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल में, इसलिए तो फ्लो चार्ट हम बना ही चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही आपको बताया, मेन वर्ब बोलो या फिर आप ऑक्सिलरी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर प्राइमरी और मॉडल, प्राइमरी इज एम आर वॉज वर डू डज डिड भी आता है इसमें, और हैव हैज हैव और हैड, इन सब की बात हम कर चुके हैं। इसको आपको बनाने का कोई भी नीड नहीं है, वो मैं आपको फ्लो चार्ट ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ। इसके बाद देखिएगा, जब हम बात कर रहे थे वर्ब की तो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब बोलो या मेन वर्ब बोलो बच्चों, एक ही बात है। तो मेन वर्ब की बात कर रहे थे तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑक्सिलरीज की बात करते थे तो मॉडल और हेल्पिंग वर्ब, ये कुछ अलग नहीं है। जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन लिखवाया ना, बस आप वही देखिएगा। ये हर ने अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिए हैं, बट जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे स्टैंडर्ड हैं, हम वही क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम बात करना चाह रहे हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन में क्या आता है कि ट्रांजिटिव वर्ब ये जो वर्ड है यही किससे बना है, ये ट्रांसफर से बना है। मतलब कि आपका जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये अपना एक्शन ट्रांसफ़र करती है किस पे, ऑब्जेक्ट पर। मतलब इसको अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप वर्ब के बाद में, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा, वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। उसको मीनिंगफुल बनाना है तो आपको कंपल्सरली वहाँ पर ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन में यहाँ पर क्या लिखा है कि ए ट्रांजिटिव वर्ब एक्सर्ट्स इट्स एक्शन, वो अपना एक्शन डालती है, एक्सर्ट करती है किस पे, ऑन ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे किस, क्या दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, अपना पूरा कंप्लीट थॉट, मतलब एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। सिंपल सा हम ये कहना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। माया ने क्या भेजी, कैंडी भेजी। कैंडी कहाँ से भेजी, स्विट्जरलैंड से भेजी। तो ये जो सेंट वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपना एक्शन कैंडी पे कर रही है भी, सेंट भेजा है लेकिन क्या भेजा है, तो अपना एक्शन सेंट का एक्शन किस पे हुआ, कैंडी पे हुआ कि भाई भेजा है, किसको भेजा है, कैंडी को भेजा है, कैंडी चॉकलेट्स आपकी, तो कैंडी भेजा है कहाँ से, स्विट्जरलैंड से। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल डेफिनेशन, लेकिन हमें इसे ग्रामेटिकल वे से इसे अच्छे से समझना है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सी वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इनट्रांजिटिव। तो एक बार मेरे साथ देखिएगा इसको आइडेंटिफाई करने का मैथड। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें कैसे इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हम सीख रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करना। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप क्वेश्चन बनाएंगे। किससे क्वेश्चन बनाएंगे आप, क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट से और हुम से। और ये क्वेश्चन आप वर्ब से जाके पूछेंगे और आंसर में जो वर्ड आपको मिले वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या ये कहानी मैंने ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए भी की थी क्या, एक बार ज़रा याद करो कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते थे। वहाँ पे बच्चों मैंने आपको यही दो WH वर्ड लिखवाए थे। आपका कौन कौन सा वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था आपका जो भी व्हाट है और हुम है। अच्छा व्हाट है वो मैंने किसके लिए बताया था, क्या वो मैंने नॉन लिविंग चीज़ों के लिए बताया था कि जब भी नॉन लिविंग चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आ जाए। अगर किसी को अभी भी रिकॉल नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जो नाउन आइडेंटिफिकेशन की क्लास मैंने आपको करवाई है उसको जाके एक बार आप देखना। वहाँ पे मैंने बताया है कि जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ होते हैं,
और जब नाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं तब आप इन दो WH वर्ड से उसको पहचानते हो, व्हाट और हुम से। तो व्हाट से क्वेश्चन कब बनाना है? जब गिवन वर्ड क्या हो, नॉन लिविंग हो, और जब आपका गिवन वर्ड लिविंग हो तो आपको हुम से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब मैं क्या समझा रही हूँ आपको, अब मैं समझा रही हूँ कि आपको पहचानना है कि गिवन जो वर्ब है वो टीवी है कि नहीं। तो सिंपल सा है, वर्ब से जाके क्वेश्चन पूछेंगे हम किससे, व्हाट और हुम से, और आंसर में जो वर्ड जो आपका उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया है वो उसके आंसर में मिल जाए तो आपका जो गिवन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एक बार ये राइट डाउन कीजिए, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। My mother cooked me halwa. दूसरा example देखिएगा, My teacher gave me this pen. यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया है पहचानना, क्या पहचानना, वर्ब को पहचानना, तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों जरा, जो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है जो कि क्या है, माय मदर कुक्ड मी हलवा। अब यहाँ पे सबसे पहले वर्ब को देखो कि वर्ब कौन सी है। जैसे आपने वर्ब को देखा तो वर्ब क्या है, यहाँ पे कुक्ड है। अच्छा, जो पहले आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ा है उसको हमें भूलना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, कुक वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप, ईडी लगा है कि नहीं लगा, ईडी लगा है तो किस तरह की वर्ब है, रेगुलर है कि इरेगुलर है। बच्चों मैंने हमेशा बताया है कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है, मैट्रिक्स बना के पढ़ना है। बोलते हैं ना गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन, तो अगर बेसिक ही अच्छा होगा तो हाँ आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो आपका आधा सिलेबस तो मानो कंप्लीट ही हो गया। इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना, मतलब कि अच्छी शुरुआत की है तो आपको आपका गोल भी बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ईडी लगा है आपका क्या है, वर्ब है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। मेथड मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपकी वर्ब है उससे जाके क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, व्हाट से और हुम से, राइट ये तरीका मैंने आपको बताया है। तो व्हाट से क्वेश्चन कब पूछोगे, जब इसके आगे आने वाली चीज़, जैसे ये हलवा है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग को बच्चों अब NL से लिख रही हूँ मैं, और ये जो मी है, ये मी किस तरह का ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लिविंग के लिए बोला जाता है मी। तो यहाँ पे लिविंग को आइडेंटिफाई करना है, लिविंग है तो हुम से क्वेश्चन बनाना, और आपका नॉन लिविंग है तो आप व्हाट से क्वेश्चन बनाना। तो अब यहाँ पे देखना, माय मदर कुक्ड, अब व्हाट से क्वेश्चन बनाओ, माय मदर कुक्ड व्हाट। अगर सिंपल ये बोला जाता है कि माय मदर कुक्ड, अगर मैं सेंटेंस यहीं ख़त्म कर देती तो वो बच्चों आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाता। आपके खुद में, खुद दिमाग में क्वेश्चन आता कि कुक तो ठीक है लेकिन ये भी बताओ कि क्या कुक करने की आप बात कर रहे हो, कम से कम उसके बारे में भी मेंशन करो। तो यहाँ पे कुक व्हाट, ये दिमाग में अपने क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव है इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, जैसे ही कुक से क्वेश्चन पूछा कि कुक व्हाट, और व्हाट के आंसर में आपका क्या आया, क्या आया, हलवा। तो यहाँ पे व्हाट के आंसर में आपको क्या मिला, हलवा मिला। तो यहाँ पे ये जो कुक वर्ब है ये किस तरह की वर्ब होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखना, कुक हलवा तो बनाया, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि कुक हुम, ठीक है, किसके लिए बनाया। बच्चों यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं इससे हम ये समझेंगे कि जो आपकी गिवन वर्ब है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि वर्ब से जाके क्वेश्चन पूछना, कौन से किस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना है, व्हाट और हुम से। अच्छा, व्हाट से क्वेश्चन कब पूछोगे, जब आगे दिया जो भी वर्ड है वो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग को NL से लिख दूँ और
आपका जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, आगे जो वर्ड है वो लिविंग है, तो आप किससे पूछेगी, क्वेश्चन पूछोगी, आप होम से लिविंग को मैंने एल से लिखा है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस देखा माई मदर कुक्ड हलवा फॉर मी, अब देखो बच्चों कनेक्टिंग द डॉट्स करना है आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं आपको कोई सेंटेंस दे दूँ, आपको उसमें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, हर एक वर्ड को आपको देखना है कि यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। आपको बोला मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स करो, मैट्रिक्स पे काम करो। बच्चों गुड स्टार्ट इज हाफ डन। अगर आपने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपने आधा काम तो यहीं पे कर लिया है। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह से आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना माई मदर क्या है, माई मदर मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे क्या चीज़ आ सकती है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। माई मदर क्या है आपका नाउन है, कैसे पहचाना, मैंने हु या व्हाट से क्वेश्चन बना के देखना है अगर सब्जेक्ट की जगह पे है तो। माई मदर लिविंग है इसलिए मैं जो मेरा क्वेश्चन है वो किससे बनाऊंगी, हु से बनाऊंगी। तो मैंने क्वेश्चन बनाया हु कुक्ड हलवा फॉर मी, आंसर में आया माई मदर। तो माई मदर क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब नेक्स्ट मैंने देखा कुक्ड, अब ये वर्ब है कि नहीं है, ईडी लगा हुआ है, साफ साफ पहचान में आ रहा है किस तरह की वर्ब है आपकी, रेगुलर वर्ब है। उसके बाद में अब आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब में ये ट्रांसिटिव है कि इनट्रांसिटिव। तो वर्ब से जाके क्वेश्चन बनाओ कि कुक व्हाट, क्या बनाया, ठीक है। तो व्हाट, व्हाट मतलब यहाँ पे क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है, क्या, और हुम का मीनिंग है किसको। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो कि हिंदी में पूछो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुक व्हाट, व्हाट के आंसर में क्या आया, हलवा। व्हाट के आंसर में क्या आया, हलवा। तो हलवा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो कुक किस तरह की वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, माय टीचर गेव मी दिस पेन, मेरी टीचर ने मुझे ये पेन दिया। अब यहाँ पे माय टीचर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे दो ही चीज़ें आ सकती है, नाउन या प्रोनाउन। बच्चों ये जो मैं हर सेंटेंस में कर रही हूँ ये आपको भी करना है, अगर कोई सेंटेंस में ये जो डाइसेक्शन वाला पार्ट है मैं छोड़ भी दूँ, लेकिन आपको उसमें हर पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना ही करना है। तो माई टीचर सब्जेक्ट है, कैसे पहचाना, यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन। तो आपने क्वेश्चन बनाया हु से, हु गेव मी दिस पेन, आंसर में आया माई टीचर, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अच्छा, जो ये आपका गेव है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिविन होती है। तो ये जो गिव वर्ब है, अब आपने इसमें आईएनजी लगा के देखा, आईएनजी गिविंग है, तो गिविंग बोलते हैं, तो समझ में आया कि ये तो वर्ब है। अब वर्ब में ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब से जाके क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम से। तो मैंने क्वेश्चन पूछा गेव हुम, किसको दिया, गेव हुम किसको दिया। तो केवल वर्ब से जाके क्वेश्चन पूछा गेव हुम, पूरे सेंटेंस माई मदर गेव हुम ये बोलने की जरूरत नहीं है, बस वर्ब से जाके पूछो गेव हुम। तो आंसर में क्या आया, मी, किसको दिया, मुझको दिया, मी। तो यहाँ पे जो गेव है ये क्या हो गया, किस तरह की वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को बच्चों शॉर्ट में टीवी लिख रही हूँ। तो यहाँ पे गेव आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि हुम का रिप्लाई कर रहा है। अब देखना गेव क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका होम से हो गया, व्हाट से भी पूछो गेव व्हाट, किसको दिया और आपने क्या दिया। व्हाट से भी क्वेश्चन पूछो, होम से भी पूछा और व्हाट से भी पूछा, ठीक है। तो जैसे ही व्हाट से पूछा कि गेव व्हाट, मुझे तो दिया है लेकिन क्या दिया है, तो आंसर में क्या मिला आपको, दिस पेन, ये पेन। तो यहाँ पे क्या मुझे सीखने को मिला कि जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है कुक और गेव, तो यहाँ पे कुक के पास में कितना ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ट्रांजिटिव कंसीडर करूँ तो यहाँ पे इसने एक ऑब्जेक्ट लिया है, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब आपके दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं, जैसे कि गेव वर्ब ने लिया है, क्या लिया है, होम का आंसर भी दे दिया और व्हाट का आंसर भी दे दिया, मतलब दो ऑब्जेक्ट ले लिए। अब एक और नई चीज़ समझना कि बच्चों व्हाट के आंसर से जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट का आंसर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और उस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो। क्या बोला मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, टॉपिक चल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी से लिख रही हूँ। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, नॉन लिविंग हो,
नॉन लिविंग हो तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या बोला जाता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसका आंसर किस डब्ल्यू एच वर्ड से आता है, व्हाट से आता है। और जो मेरा ऑब्जेक्ट लिविंग है उसका आंसर किस से आता है, हुम से आता है। ये चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, ज़रूरी है ट्रांजिटिव वर्ब दोनों ऑब्जेक्ट ले, नहीं ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों ले, हो सकता है इनमें से कोई भी एक ले ले। अच्छा, अब हमें क्या वो सारी वर्ब याद करनी पड़ेंगी कि डबल ऑब्जेक्ट कौन सा लेती है, सिंगल ऑब्जेक्ट कौन सा लेती है, सिंगल ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट कौन सा लेती है, इनडायरेक्ट कौन सा लेती है। नहीं, ये कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको दे दिया है व्हाट और हुम का, ये आप तो कुछ मत करो, व्हाट और हुम से क्वेश्चन बना के देखो। आंसर में अगर दोनों मिल जाए तो आपके जो वर्ब है वो किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और डबल ऑब्जेक्ट लेने वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी एक का ही आंसर मिले तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब तो है लेकिन सिंगल ऑब्जेक्ट लेने वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको प्लीज़ एक बार राइट डाउन कीजिए। तो देखो बच्चों, अभी तो बात करी मैंने आपसे ट्रांजिटिव वर्ब की, इन ट्रांजिटिव वर्ब की भी बात कर लेते हैं, उसको भी कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे। तो देखिएगा, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो पहले तो सिंपल सी बात क्या है कि जो आपने ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ा है, जैसे कि आपने वाटर होम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, अब व्हाट और हुम के कॉन्सेप्ट में जो ना बैठे वो सारी कौन सी होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। लेकिन उसमें भी कभी कभी कुछ डाउट आ जाता है तो इसको मैं बता देती हूँ कि डाउट क्या आता है, वो भी आपको एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या डाउट इसमें क्रिएट होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन प्लस व्हाट से आंसर आएगा या कोई भी प्रीपोजिशन प्लस हुम से आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा, ऑब्जेक्ट का। अच्छा, अब अपना बेसिक याद करो कि इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको क्या बताया था, वो वर्ब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो लेती क्या है, अगर लेना ही पड़ जाए तो प्लस ऑब्जेक्ट लेंगी, राइट। और यही ऑब्जेक्ट तो आपका क्या है, व्हाट और हुम से हम देखते हैं। तो सारी चीज़ें कनेक्ट करते पड़िए, सब कुछ लॉजिकल है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने यही तो दो डब्ल्यू एच वर्ड बताए थे ना आपको, व्हाट और हुम, तो यही तो चीज़ है। प्रीपोजिशन के बाद भी तो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट आते हैं तो व्हाट और हुम से ही इसका भी आंसर बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, क्या ले सकती हैं, ले सकती हैं, जरूरी नहीं ले ही ले, ले सकती हैं क्या, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। तो जब भी कोई इनट्रांजिटिव वर्ब हो उसके बाद में कुछ कहानी लिखी हो तो प्रीपोजिशन प्लस व्हाट और प्रीपोजिशन प्लस हुम का आंसर ये देंगी। इतनी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब आते हैं जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी करवाया, एक बार उसी पे आते हैं कि माई मदर कुक्ड हलवा फॉर मी, ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था। तो एक बार इसको देखिए, यहाँ पे मैंने ये फॉर मी वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ा है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट छोड़ा था इसको अब करते हैं। तो देखना, मैंने क्या बोला कि क्या है वर्ब आपकी, क्या है, कुक्ड है। कुक्ड व्हाट का आंसर दे रही है, इसलिए कुक क्या हो गया, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन कुक से जाके क्वेश्चन पूछना एक बार, फॉर हुम, फॉर हुम, किसके लिए, किसके लिए, ये आपको क्वेश्चन पूछना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कुक्ड वर्ब है, कुक जो वर्ब है, इसका आंसर अगर आप हुम से डायरेक्ट पूछेंगे, कुक किसको, किसको कुक किया, तो वो तो मतलब ही अलग हो जाएगा। किसको कुक किया, जैसे किसी ने फिश कुक करी आज, तो वो क्या बोलेगी कि आई कुक्ड फिश, आई कुक्ड फिश, मैंने फिश कुक करी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फॉर हुम, किसके लिए करी है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आई कुक्ड फिश, अब वहाँ पे जो कुक्ड है उसके बाद में जो फिश लिखा है, वहाँ पे भी ये जो फिश है ये व्हाट के आंसर में आ रही है। क्वेश्चन बना के देखो, आई कुक्ड, कुक्ड व्हाट, कुक
किया है क्या, आंसर में आएगा फिश, ठीक है। लेकिन किसके लिए कुक किया, किसको कुक किया ना, किसके लिए कुक किया, तो यहाँ पे किसके लिए के लिए आपको एक सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा, कुक्ड फॉर हुम, किसके लिए, कुक्ड हुम नहीं, कुक्ड हुम नहीं, किसको पकाया ये नहीं, किसके लिए पकाया। और ये के लिए बोलने के लिए फॉर प्रीपोजिशन बोला है, और फॉर प्लस हुम, ये फोर प्लस हुम का आंसर आते ही जो ये कुक्ड वर्ब है ये आई टी वी भी हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो यहाँ पे देखना, ये भी पॉसिबल है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करे और इनट्रांजिटिव की तरह भी बिहेव करे, बिल्कुल पॉसिबल है। हम वहाँ पे कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, बस ये व्हाट और हुम, या फिर प्रीपोजिशन प्लस व्हाट, प्रीपोजिशन प्लस हुम, इससे क्वेश्चन बना के देखेंगे और देखेंगे कि किस चीज़ का आंसर मिल रहा है। अगर डायरेक्ट व्हाट और हुम का आंसर मिल जाए तो गिवन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर प्रीपोजिशन प्लस व्हाट, प्रीपोजिशन प्लस हुम का आंसर मिले तो जो गिवन वर्ब है वो आपकी इनट्रांजिटिव है। यहाँ पे एक सेंटेंस में मुझे डायरेक्ट व्हाट का भी आंसर मिला और मुझे फॉर प्लस प्रीपोजिशन प्लस हुम का भी आंसर मिला, तो गिवन वर्ब ट्रांजिटिव हो गई और इनट्रांजिटिव भी हो गई। लेकिन अब एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, और डिटेल में चलते हैं कि अगर कुक के बाद हमें कोई नॉन लिविंग, मतलब ये किस तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बच्चों डी ओ से लिख रही हूँ, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये जो कुक वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं आई डी ओ से लिख रही हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये जो कुक वर्ब है ये किस तरह की वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने क्या देखा कि जो मेरी वर्ब है ये वर्ब मेरी किस किस तरह की हो सकती है, ये मेरी हो सकती है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो चलो क्या बोला, ये जो वर्ब है ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव को मैं टी से लिख लूं, चलो पूरा ही लिख देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है, और टीवी प्लस आईटीवी, यहां तो शॉर्ट में लिख दूं, टीवी किसको बोल रही हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब को, इनट्रांजिटिव वर्ब को आईटीवी बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव हो सकती है, वो इनट्रांजिटिव हो सकती है, वो दोनों भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब में हो सकता है वो डबल ऑब्जेक्ट ले, हो सकता है डबल ऑब्जेक्ट ले, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का ऑब्जेक्ट ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले तो आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो केवल और केवल सिंगल ऑब्जेक्ट ले, तो ये भी हो सकता है कि वो डबल ऑब्जेक्ट ले या फिर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट ले। अच्छा, सिंगल ऑब्जेक्ट में वो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अब डी ओ से लिख देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आई डी ओ से लिख लेते हैं, यहाँ पे इनका एब्रीविएटेड फॉर्म आप ब्रैकेट में लिख लेना जिससे आप बाद में भूलो नहीं जब इसको रिवाइज करो, कभी आई डी ओ अभी तो लिख लिया और फिर बाद में फ्यूचर में यही भूल गए कि आई डी ओ था क्या। तो यहाँ पे देखना क्या क्या बोला, वर्ब ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और या फिर बोथ। ट्रांजिटिव में डबल ऑब्जेक्ट लेने वाली, सिंगल ऑब्जेक्ट लेने वाली, डबल ऑब्जेक्ट आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ले लें, प्लस का साइन लगा लेना। और यहाँ पे दूसरा केस क्या बनता है कि सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हो, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले, तो इसको भी प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिए। चो यहाँ पे हमारा होता है जो मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट है, टीवी और आईटीवी का कॉन्सेप्ट, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे बच्चों, इसके एक बार हमें प्रैक्टिस करनी अच्छे से ज़रूरी है, जिससे ये व्हाट हुम और प्रीपोजिशन प्लस व्हाट, प्रीपोजिशन प्लस हुम का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाइए। तो यहाँ पे तो बच्चों अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन हमारे रिमेनिंग है, जिससे कि हमें ये प्रीपोजिशन प्लस व्हाट, प्रीपोजिशन प्लस हुम, जो कि आईटीवी का कॉन्सेप्ट है,
और what या whom जो कि transitive verb का concept है वो हमारा clear हो जाए. तो बच्चों next class में अच्छे से revise करके आइएगा. So until the next class, take care, study hard, जय हिंद.